मेरे नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही स्केल लेना थोड़ा मुश्किल है पर मजेदार भी। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? मेरी शिप है। जो भी हो मैं अपने नेल्स पर फोकस करती हूँ। ठीक है मुझे पूरा करना होगा। ओ नहीं मेरी पेंसिल और मेरे पास शार्पनर नहीं है। ओ अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ? मेरी पेंसिल टूट गई और मैं शार्प नहीं कर सकता। ये लो। ओ ठीक है कैसा लग रहा है? नहीं पेंसिल पर इस्तेमाल करो। ओ हाँ ठीक है नेल फाइल के ऊपर इसे रगड़ना होगा। काम कर रहा है देखो। अब मैं अपनी ड्राइंग पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा था ना मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। रुको मैं जरा पोज करूं। ये कैसा है? बकवास। ओह समझ गया वहाँ पर जाओ। ठीक है तैयार हो? ये हुई ना बात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना हाथ सर पर रखो। ऐसे? बहुत हुआ कमाल है। और कितना समय लगेगा? हे मैं जाग रही हूँ। तुम्हें कैसा लगा? हाँ कोशिश तो की। ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम है। आर्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। सब आ गया। जो भी हो अब इसे एक आर्ट में बदलें। पहला स्ट्रोक हमेशा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लू यहाँ करेंगे काफी बढ़िया लग रहा है। या फिर नहीं ये क्या बकवास है? नहीं शुक्र है मेरे पास और पेपर है। ओह स्मूथ ये तो पहले वाले से भी बुरा है। ओह चलो अब फोकस करो। ये क्या मजाक है? मैं फ्लावर नहीं बना पा रहा। ठीक है शांत रहो गहरी सांस लो मैं कर सकता हूँ। मैं कर दिखाऊंगा। तो चलो आराम से आराम से। अच्छू हाँ ये तो बुरा हुआ। एक मिनट रुको कितनी बढ़िया शेप है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। पेंट ब्रश को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से कुछ अलग ही डिजाइन बन सकता है। और हम बनाएंगे पेटल्स। जब ये पूरा बन जाए तो ग्रीन कलर से लीव बनाए। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें थोड़ा लंबा बनाना है। इन्हें साथ में भी जोड़ सकते हैं। इससे अच्छे से फिल हो जाएगा। मैं जानता था मैं ये कर सकता हूँ। वाओ तुमने खुद बनाया है। तुम देखो ना एनी मेरे पास करने के लिए और भी कुछ है। और इस बार मैं एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करूंगा पर हमारा थीम वही रहेगा। देखा इन स्ट्रोक्स के साथ लीव्स बिल्कुल असली लग रही हैं। इन्हें आराम से बनाएं। ग्रास भी बना सकते हैं। देखें अगला हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह के पॉपी पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि मजेदार टेक्सचर्स बन सके एक बलून के साथ। कितना सैटिस्फाइंग था ना। अब इसे स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें और आपको मिलेंगे मजेदार और एकदम अनोखे फूल। ये मत भूल जाना कूल है ना। शानदार तुम्हें कैसा लगा? डेविड तुमने कैसे बनाया? मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है। एक बर्ड बनानी है। ये तुम्हारा पहला आर्ट चैलेंज है। जरा सोचने दो। ये स्कार्फ
ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? निकलो यहाँ से, सिली बर्ड। कम से कम इससे मुझे कोई मदद तो मिली। वैसे मेरे पास एक चीज है जैसे और अच्छा करेगा। ये इसके अंदर कैसे आया? जो भी है, जैसा मैं कह रही थी। हाँ, क्या ये कोई मजाक है? ठीक है, आखिरकार मेरा सामान। ओह बढ़िया, एक और बोरिंग बुक। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। गॉगल्स, इनमें से कोई भी सामान काम का नहीं है। ये सब मैथ्स क्या है? जैसे मुझे इनमें से कुछ पता भी हो। और दूसरी बात, मैं अपनी मदद के लिए नंबर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे उसकी बॉडी बनाने के लिए कुछ मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। और सर पर भी, ये बर्ड जैसी लग रही है ना? जब तक इस पर कलर नहीं हो जाता इंतजार करो। क्या तुम ठीक हो मेरी लिटिल चिकिटी? मैं तुम्हें बहुत सुंदर फेदर्स दूंगी, रेनबो के सभी रंगों के साथ। ये खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या आप इसमें नंबर्स देख सकते हैं? बढ़िया। और तुम? मैं कुछ बेकार मौसम में फंस गई हूँ। मैंने अभी तक यही बनाया है। ओह, तुम ये राउंड जीती हो एनी। ओह ये, मेरे लिए शुक्रिया। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। काश मुझे पता होता कि ये होने वाला है। ओह, ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मेरा पेपर। ओह मेरी गलती है। ओप्स, देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया। हे, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? वाओ, मैं? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है। तो ठीक है, यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया? कितना कूल लग रहा है ना? क्या बात है, मेरा प्यारा आर्टिस्ट। कैसे हो दोस्त, क्या तुम ये बना सकते हो? तो चलो शुरू हो जाओ, ये बहुत आसान होगा। इस राउंड में पिंक कमाल करके दिखाएगा। ओहा, पहले पेपर कप बनाओ। बबल गम पिंक मेरा मन पसंद है। ओह, उन्होंने साइज नहीं बताया। मैं कहूंगी ये 5 इंच है। और अब स्वादिष्ट हिस्से की बारी। कितना अच्छा है, लेकिन ग्रीन शायद बेकार चॉइस थी। हाँ, क्या ये आइसक्रीम है? मैं ये नहीं बनाना चाहती थी। तुम्हें सब्जियां चाहिए थी है ना? बहुत बुरी गलती थी। मैं कहूंगी जितना असली उतना बेहतर। बड़े क्रीमी स्कूप से शुरुआत करते हैं। कलरिंग हमेशा इसके बाद होती है, इस तरह तुम अच्छे से बना पाओगे। देखा, मैं ये कह रही थी, सारी डिटेल्स बनाना सही रहेगा। देखा, आइसक्रीम, ये कप पर लिखा है। आखिरकार इसे कलर करने का समय है। ये आइसक्रीम मुझे भूखा बना रही है। यही होता है जब तुम कुछ असली ड्रॉ करते हो। लगभग हो गया, बस थोड़ी सी और डिटेल्स और हो गया, मैंने बना लिया। जरा इधर देखिए। हाँ, ओह जरा देखने दो। तो इसे कहते हैं मास्टरपीस। ये लो। हाँ, वो ये तो एक असली आइसक्रीम के बकेट में बदल गई।
ये अब तक का सबसे अच्छा प्राइज है। ओह, ये टॉर्चर है। मुझे ब्रोकली पसंद भी नहीं है। की जैसा स्वाद आ रहा है। कितना बढ़िया आर्ट सेट है। मुझे जलन हो रही है। मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? मैं अपना ब्रश रिपेयर कर सकती हूं। मुझे बस इसके बाल चाहिए। बस जरा एक देखना ले। इतने काफी होंगे। इसे ब्रश से लगा देती हूं। अब मैं पेंट कर सकती हूं। ये देखे हुए लगते हैं। कुछ ज्यादा ही। क्या ये मेरे बाल है? मेरे बाल? ये तुमने क्या कर दिया? ये मुझे दो। हाँ, मैं तुम्हारे और बाल ले लूंगी। ओ, यही रुक जाओ। अब एक ही चीज हो सकती है। डिटेंशन? अच्छा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये हम कहाँ हैं? हाँ, अब हम एक आर्ट चैलेंज करेंगे। ये भीड़ डिसाइड करेगा कि तुम क्या ड्रॉ करोगे। 1, 2, 3, चलो। ओ, एक फ्लावर? ठीक है, ये आसान होगा। हमें ये करना ही होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जरा रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मैं तो एक जीनियस हूँ। पेपर के ऊपर इस तरह ज्वेलरी रखेंगे। अब इसे पेंट करेंगे। ज्यादा पेंट नहीं चाहिए, अलग अलग कलर्स करेंगे। हाँ, इतना काफी है। इन चेन्स को उठाने के लिए ब्रश के टिप का इस्तेमाल करेंगे। पेंट को थोड़ा फैला देंगे। इससे सारे कलर्स ब्लेंड हो जाएंगे। ये फ्लावर बनाने का मेरा वर्जन है। अच्छा लग रहा है ना? वाह, बहुत पसंद आया। अब मैं अपना मेकअप कर सकती हूँ। यही मौका है। मुझे अच्छा दिखना होगा। मेरी भी कोई रेपुटेशन है। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे यही तो चाहिए। अब मैं अपना फ्लावर बना सकती हूँ। इस मेकअप ब्रश के साथ पेंट को डैब करेंगे। अब ऐसा ही ग्रीन पेंट के साथ करेंगे। ये अच्छा लग रहा है। थोड़ी डिटेल्स बनाएंगे और हो गया। कितना खूबसूरत है। इसे यहाँ रख देती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। बढ़िया, मुझे मेकअप करते हुए तंग मत करना। मैं खूबसूरत लग रही हूँ। ओह, टाइम खत्म हुआ। कैसा लग रहा है? जबरदस्त है ना? मेरा ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छे। काफी दिलचस्प है सैरा। मैं जानती थी पसंद आएगा। ओह, अरे नहीं, हंसने की क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर पेंट है। मेरी प्यारी त्वचा। अरे नहीं, ये तुम्हारा आर्ट है सैरा। दुनिया को खुलकर दिखाओ। तुम्हारी पेंटिंग कमाल की है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये ठीक नहीं रहेगा। ये बढ़िया है। ठीक है, लगता है काम हो गया। मैं इसे अस्थि वाले से कंपेयर करता हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं बना। वो यही है। मैं छिप कर अंदर जाऊंगा। उन्हें बहुत पसंद आएगा। ओह, ये क्या है? ये तो बुरा हुआ। लगता है उनका आज का दिन अच्छा नहीं है। ओह, जरा उन लाइट्स को तो देखो। इससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। ये रहा बॉक्स फ्रेम। तो हम इसे खोलेंगे और ये रही फेरी लाइट्स। इन्हें स्ट्रेच कर बॉक्स के फ्रेम के अंदर लगा देंगे। हो गया, अब इसे वापस लगा दो। वाह, कितना बढ़िया है। ग्रैंडपा, बॉक्स में लाइट्स? ये है क्या? ओह ग्रैंडपा, चलो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी पिक्चर लो और इसे ग्लास के ऊपर रख दे। ओह अच्छा, वाह ये तो चमक रही है। मैं समझ गया, ये ट्रेसिंग बॉक्स है। अब आपकी पिक्चर दोबारा बना सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। बस मुझे इन लाइन्स के ऊपर ऊपर ही तो बनाना है। वाह, ये बहुत अच्छे से बन रहा है। काफी आसान है, बस कुछ आखिरी डिटेल्स बनानी है। अब सही रहेगा। आखिरकार मास्टरपीस बन ही गया। मुझे सिर्फ एक फ्रेम और कुछ लाइट्स चाहिए थी। तुम्हारे तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फर्स्ट था। तुमने इसे पहचाना? ये तैरती है और क्वाक क्वाक करती है। हम डक्स बना रहे हैं। रुको, मैं समझ गई। डेविड, उन बर्ड्स को तो देखो। हे गाइस। हाँ बिल्कुल, पहले इस तरह अपना हाथ प्रेस करें। अब एक फोर्ट जैसी शेप बनाएं और इस लाइन को इस तरह जोड़ दें।
और एक और यहाँ पर। अब पूंछ की बारी और अब इसका चेहरा। बर्ड है तो चोंच भी होगी और मेरे हिसाब से बर्ड्स के वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए जैसे पीकॉक्स के होते हैं। देखो कितना जबरदस्त कलर है। और पिंक के साथ क्या अच्छा लगता है बताओ? येलो, बिल्कुल। मैं ये राउंड जीतने वाली हूँ। देखो ये बर्ड कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो दिखाओ। टाटा, ये तो बहुत फनी लग रहा है। पर मेरे वाले में कलर है, इसे बदल दो। कूल। आर्ट को हमेशा शेयर करना चाहिए। हे, देखो आखिरकार एक पपेट। वाह, ये सबसे अच्छा है। मैं चाहती हूँ ये और अच्छा दिखे। पहले एक स्क्वायर बनाएंगे और फिर सर्कल। मेरे पास बेहतर आइडिया है। शुक्र है ये फोटोकॉपियर यहाँ है। चलो पपेट, इसमें जाओ और कॉपी दबाएं। इससे बेहतर और क्या होगा? तुम क्या कर रही हो? हो गया, अब बस मुझे इसे कलर करना है। ओह, ये मजेदार होगा। एक रेड पेंट की लाइन यहाँ, अब बाकी। ये एक रेनबो की तरह है। ये बिल्कुल पॉपिट की तरह लग रहा है। मुझे इसे प्रेस करना है। बहुत अच्छे, शायद इस बार मैं जीती हूँ। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। ये कैसा मजाक है, मेरे वाले को देखो। टेबल से दूर हो जाओ मैम, मुझे अपना हाथ दो। और दूसरा वाला रोको मत। फोटोकॉपियर इस्तेमाल करना ड्राइंग नहीं है, यहाँ चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। सॉरी, ये कैसे कर सकती है? वाह, एक चॉकलेट पॉपेट, मेरी मनपसंद चीजें, स्वादिष्ट। ठीक है, तुम हमारे साथ चल रही हो, चलो। ओ, जो भी है। वाह, अरे ये तो अटक ही गया है, मैं इसे खा सकती हूँ। हाय, आओ बैठो अली। ओह, ठीक है। मेरी तरफ मत देखो। इससे बात करती हूँ, ये अच्छी लग रही है, ये कलर मुझ पर सूट करता है। अच्छा, ठीक है क्लास, अपनी किताबें खोलो। अब ये भी करना होगा, आज का लेसन बहुत दिलचस्प है। हाँ ठीक है। उसकी नोटबुक्स कितनी अच्छी है। मैं नोट्स ले लेती हूँ। हाँ, मेरा पेन बहुत प्यारा है। काश मेरे पास ये चीजें होती। ये सब तो बहुत बोरिंग है, ये ठीक नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है, जरा रुको। क्या हुआ है? मुझे उससे जलन हो रही है। जरा दिखाओ, ये तो बहुत फैंसी है। मैं मदद करता हूँ। सच में? इस सिंपल से ट्रिक से अपने पेंस को अपग्रेड करें। पेन से इसके पार्ट्स निकालें, अब इसमें ग्लू भर दें, कुछ गड़बड़ ना हो। इतनी काफी है, अब इसमें ग्लिटर डालें। अब इंक को वापस केस में डालें और इसे बंद कर दें। अब ये पेन बोरिंग नहीं रहा, अच्छा है ना? वाह, जरा इसे देखो। और इसे बिल्कुल मत भूलना। ओह, ये कितना प्यारा है। थैंक्स। जरा रुको, अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वाह, आप तो बहुत स्टाइलिश हैं। ये मुझे दो। ये नहीं चलेंगे, तुम्हें मेकओवर की जरूरत है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। कैसे, आपने ये कैसे किया? क्या फर्क पड़ता है, कितना बढ़िया है। आप मेरे फेवरेट टीचर हो,
मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? वाह, तुम्हारी नई लुक बहुत अच्छी है। ओह, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। सच में? मेरे लिए? थैंक्स बेस्टी। सेल्फी। मुझे ये ग्लास बहुत पसंद है। ओह, मुझे चेंज करना होगा। तो आज का लेसन, मैं कुछ हैरान कर देने वाला बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है क्या करना है। कॉम्प्लीमेंट पे ह्यूज बनाएंगे, पर अभी भी कुछ मिसिंग है। पर क्या? बॉल बहुत छोटी है। वो क्या कमाल की चीज है मॉम। हाँ, अभी नहीं। ठीक है, आपके पास अभी पेंट बचा है तो फिर मैं इससे खेल सकता हूँ। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, मैं जरा ये ट्राई करती हूँ। हे, मेरी पेंट पैलेट कहाँ चली गई? डेविड, वो तुमने ली? एक्सक्यूज मी, देखो मैंने ये बनाया। मैं इसे कहूंगा बॉन वाटर। समझ गए, तुम्हें फेस पेंट करना है। ट्राई करो डेविड। वो दोबारा। मजेदार है ना? हाँ बिल्कुल है ना। अगर मैं फिंगर से करूँ तो ये देखो है? अब ब्लू डॉट्स आएंगे और अब मेरा फेवरेट कलर हो गया। देखो मॉम। खैर, ये तो शानदार है, पर एक और ट्रिक ट्राई करते हैं। सिमेट्री भी खूबसूरत लगती है। और ये बात प्रूव करने के लिए हम ये आपके सामने बनाएंगे। कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है। इस लाइन से इसमें जान आ जाएगी और विंग्स की आउटलाइन करेंगे। दूसरी साइड भी हो गया। देखो ये कितना प्यारा है। और अभी तो ये शुरुआत है बेटे। कितना मजेदार है, एक यूनिकॉर्न। ये काफी ट्रिकी है। मैं पेंस ले रही हूँ। पता नहीं, यहाँ बहुत ऑप्शंस हैं। पेंट या पेंस? पेंस। लगता है ये चॉइस ठीक है। हाँ, तो चलो। मेरा पेन स्लिप हो गया, माफ करना। तो ये स्लिप हो गया। ठीक है, तुम्हें कितना बचपना है। मैं तुम्हारी ड्राइंग ठीक कर देती हूँ। ये दोबारा मत करना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैंने ठीक ही तो की है। एक जगह बच गई। मैं इसमें कलर करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। इसका कोई मतलब नहीं। ये लो, छोड़ो, बस करो। हम ये पूरा दिन कर सकते हैं। थोड़ा और पेपर लो। ठीक है, मैं इस तरफ मुंह करके बैठ जाती हूँ। मैं सबसे अच्छा यूनिकॉर्न बनाऊंगी। समझ गए, UNICORN। अब बस मुझे इसे ज्वाइन करना है। मैं इसका अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाऊंगी। लेग्स कैसे भूल सकते हैं? अब बस इसमें कलर करना बाकी है। पिंक इस पर अच्छा लगेगा और इसी से मैं जीतूंगी। काश मेरे पास असली यूनिकॉर्न होता। अब बस पूंछ बाकी है। हो गया, ये आसान था। टाडा! ओ नहीं, ये रही मेरी ड्राइंग। ये अच्छी है, बहुत अच्छी। पता नहीं ये राउंड कौन जीतेगा। मैं हैरान हूँ। हाँ, और प्राइस क्या है? काश ये असली यूनिकॉर्न हो। मुझे ये भी चलेगा। ये वाला नहीं, बहुत छोटा है। देखने दो। कितना टेस्टी लग रहा है। मैं छोटा सा पीस ले लेती हूँ, उसे पता नहीं चलेगा। मुझे यही चाहिए। ऐसे ही रहो, यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी। तुमने ये क्या किया? माफ करना, मैं बस गलती से केक के ऊपर आ गिरी। तुम्हारे लिए थोड़ा बचा है। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने उससे पूछा था। आ, पहला चैलेंज। पता नहीं इसमें क्या होगा। ओ, कितना प्यारा पपी है। हम इसे रख सकते हैं? ठीक है, मैं ही कर सकती हूँ।
मैंने आर्टिस्ट को ये करते हुए देखा है, पता नहीं क्यों, पर ये अच्छा लग रहा है। ये पपी के लिए बहुत छोटा है। हाँ, मेरे पास भी हाथ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आ, समझ गई, ये आसान है। मैं अपना हाथ प्रेस करूँगी। तुम क्या कर रही हो? कम से कम वो खुश है। मैं पेपर पर हाथ इस तरह रखती हूँ और फिर इसे ड्रॉ करते हैं। इसे एक डॉग की तरह बनाना होगा। थोड़ा फर, प्यारी प्यारी आंखें और एक नाक। अब इसे कलर करेंगे। ये काफी अच्छा लग रहा है। लाइन के अंदर अंदर बस हो ही गया। लो, वो कितना प्यारा है। मुझे इस पर गर्व है। मैं इसे लकी बुलाऊंगी। ये काफी अच्छा है, मतलब मुझे मेरा वाला भी पसंद है। पर वाह, कम से कम तुमने कोशिश की। कौन जीता? हाँ, देखो कुछ हो रहा है। बिस्किट्स, यम्मी। इसकी शेप हड्डी जैसी है। जीनियस। मुझे डॉग थीम बहुत पसंद है। मैं इसे ट्राई करने का इंतजार नहीं कर पा रही। रुको, बिस्किट्स, बोन, डॉग। रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसका स्वाद कितना अच्छा है, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ओह, काश तुम ये ना करती। क्या हुआ? ये बिस्किट्स, ये पपी के लिए है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हे, इधर आओ बच्चे, हमारे पास गुडीज हैं। चलो। हाँ, सबसे अच्छा बच्चा कौन है? तुम। हाँ, तुम। तुम्हें इतनी पोज करने के बाद भूख लग गई होगी। कितना तेज पपी है। तो चलो, ये तुम्हारे लिए ही है। देखो ये रोज की खुशबू कितनी अच्छी है। ठीक है, हाँ हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। हाँ, ओ नहीं, मेरा पेंट कितना बेकार है। अरे नहीं, अब मैं इसका क्या करूँ? मुझे आर्ट सप्लाईज चाहिए। देखते हैं कौन से कलर से शुरू करें। पिंक, बिल्कुल। तुम ये नहीं ले सकती, मुझे ये चाहिए। प्लीज, मेरा पेंट खराब हो गया है और सूख गया है। मैंने कहा ना, नहीं, तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। मैं अपना रोज कैसे ड्रॉ करूँ? वो बहुत सुंदर होना चाहिए। अरे हाँ, ये जरूर काम करेगा। वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रही, कितनी मतलबी है। मुझे अब इसका खुद ही कुछ करना होगा। पहले गहरी सांस लो। वो थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे बैग को क्या हो गया? बढ़िया, इस पर पेंट लग गया। हट जाओ पेंट, मैंने कहा हटो। ये क्या? अपने पेंट को पेपर तक ही रखो प्लीज। हाँ, इस बैग से ही पेंट लगाओ। हाँ ठीक है, समझ गई। जैसा उन्होंने कहा, मैं इसे डाब करूंगी। ये रहा, एक यहाँ और एक यहाँ भी। अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। कैसे पता था? देखते हैं मैं और क्या कर सकती हूँ। समझ गई। वो कहाँ चली गई? जो भी हो, वो जो मर्जी करे, बस मुझे ये चाहिए। योंक। हाँ ठीक है, ये रहा पेंट ब्रश। आर्ट को पूरा करेंगे। फ्लावर्स के साथ सुंदर लीव्स तो होनी ही चाहिए। टाइम खत्म हुआ, मुझे अपनी रोज आर्ट वर्क दिखाओ प्लीज। हाँ मैं तैयार हूँ, ये रही मेरी पिक्चर। सुंदर है ना? वैसे सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका तो कमाल का है। हाँ, इसीलिए वो इस राउंड की विजेता है। हाँ, मैं एक और जीत गई, विश्वास नहीं हो रहा। ओह, कैंडी, मेरी फेवरेट, देखो। हाँ, बधाई हो, मुझे लग रहा है इस बार कुछ अच्छा होगा। बुरा हुआ, मुझे लगा ये चैलेंज होगा। ठीक है, तो मैं इस बार क्या इस्तेमाल करूं? ये बहुत बड़ा है। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। ये परफेक्ट है, पम्पकिन आराम से बन जाएगा। बस ऑरेंज सर्कल ही तो है। मुझे ये वाला जीतना ही होगा। हाँ, ये काम आएगा। पहले सेक्शन से शुरू करेंगे और फिर स्टेम। अब इसे फिल करना है। अलग अलग शेड और कलर से ये अच्छा दिखेगा। मैं इससे खुश हूँ। तुम्हें कैसा लगा? हे, उठो। हेलो, यूहू, उठो, हमें ड्राइंग करनी है। मैं जाग गई, क्या हो रहा है? ओह हाँ, पम्पकिन, बहुत बढ़िया, टाइम खत्म हो गया। मैं इससे बेहतर नहीं कर सकती। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। सच में? क्या? हाँ, पेंट। ये तुम पर जच रहा है। हाँ, प्राइस क्या मिलेगा? पम्पकिन जूस।
ये अच्छा नहीं है। मुझे अलग सा लग रहा है। क्या हो रहा है? क्या मेरे सर की जगह पम्पकिन है? अगले हैलोवीन के लिए कम से कम तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम है। मुझे गेम पसंद नहीं है। मेरा चेहरा, मेरा सुंदर चेहरा, ये वापस आ गया। माफ करना, मैं डर गई थी। मैं कभी दोबारा नहीं पीऊंगी। हे, इसे वहाँ रखो। ये पीस तो पूरा हुआ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है ये मास्टरपीस है। मैं इसे ईजल पर सेट कर देता हूँ। वाह, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, बबल्स, मुझे इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हाँ, देखो ये कितने सारे हैं। मुझे बबल्स पसंद है। हे, मैं आ गया। ओह, मैंने पेंटिंग गिरा दी। ये मेरा मास्टरपीस था। इससे अच्छा मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। एक सेकंड रुको, बबल्स, मुझे इससे बहुत अच्छा आइडिया आया। ये रही प्लास्टिक बॉटल, मैं इसके ऊपर से काटूंगा। जहाँ से ये खुला है वहाँ पर एक नेट लगाएंगे। अब हम इस ग्लास पेन में थोड़ा साबुन डालेंगे, इतना काफी होना चाहिए। अब नेट के एंड को साबुन में डालेंगे और ये साबुन नेट में अटक जाएगा। अब इसमें पेंट डालना है। मैं ब्लू डालूंगा और रेड भी, फिर येलो, बबल। ये रंग तो डल ही चाहिए। देखो, अब हम बबल फुलाना शुरू करेंगे। बस ध्यान रहे कि हम कैनवस के पास ही हों। अब ये बड़े बड़े फोड़ देंगे। ये देखो, लगता है काम पूरा हुआ। हे, तो तुम्हें ये कैसा लगा? वाओ, आपने ये कैसे किया? मुझे बस बबल से इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा, मुझे पसंद आया। बबल्स बहुत बढ़िया चीज है। ओह मिस्टर किटी, तुम मेरे फेवरेट हो। हाँ, तुम ही। ओह अच्छा, चैलेंज मिस्टर किटी को ड्रॉ करो। ओह ठीक है, मुझे कैट्स की ड्राइंग पसंद है। मुझे कैट्स वैसे भी पसंद है, बहुत अच्छा बनेगा। ये क्या कर रही है? क्या ये कैट लिख रही है? क्या, हे भगवान, मैं तो ये वाला जीत ही जाऊंगी। हाँ, मुझे अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने होंगे। पहले एक सर्कल बनाएंगे, कैट्स गोल हो सकती है, खास कर ये चंकी बॉय। मैं अब यहाँ से क्या करूँ? इससे भी बेहतर कुछ करना होगा। पहले मैं इसका चेहरा बनाती हूँ और विस्कर्स नहीं भूल सकते। हाँ, हेड बना लिया। इसकी गोल सी पूंछ भी बनाएंगे। कितनी प्यारी है वो, बहुत अच्छी। अपनी किटीज दिखाओ। टडा, ये रही मेरी किटी और ये मेरी है। मेरा ध्यान भटक गया था। खैर, ये आर्ट पूरा नहीं हुआ तो नहीं जीत सकती। तो तुम ही विनर हो। वाह, मैंने कर दिखाया। मैं और मेरी किटी एक और राउंड जीत गए। हाँ, कुकीज, मुझे कुकीज पसंद है। ये ठीक है, बहुत अच्छे। ओ चलो भी, ये हुई ना पढ़ाई। मैथ्यू, मुझे लग ही रहा था। रुको, ये क्या हो गया? तुम्हें क्लास वर्क करना चाहिए। मैं बोर हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, अभी बदल लेता हूँ, अब बेहतर है। हाँ, ये तुमने कैसे? ये क्या, ये बुक ही ऐसी है। मैं अपनी गेम पूरी कर लेता हूँ। ओह, ये क्या हो रहा है? तुम्हें पढ़ना होगा और ये मैं रखूंगी। गलत बात है। वो ठीक कह रहा था, ये गेम तो अच्छी है। देखो ये रोज की खुशबू कितनी अच्छी है। ठीक है, हाँ हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। हाँ, ओ नहीं, मेरा पेंट कितना बेकार है। अरे नहीं, अब मैं इसका क्या करूँ? मुझे आर्ट सप्लाइज चाहिए। देखते हैं कौन से कलर से शुरू करें। पिंक, बिल्कुल। तुम ये नहीं ले सकती, मुझे ये चाहिए। प्लीज, मेरा पेंट खराब हो गया है और सूख गया है। मैंने कहा ना, नहीं, तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। मैं अपना रोज कैसे ड्रॉ करूं? वो बहुत सुंदर होना चाहिए। अरे हाँ, ये जरूर काम करेगा। वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रही, कितनी मतलबी है। मुझे अब इसका खुद ही कुछ करना होगा। पहले गहरी सांस लो। वो थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे बैग को क्या हो गया? बढ़िया, इस पर पेंट लग गया। हट जाओ पेंट, मैंने कहा हटो। ये क्या, अपने पेंट को पेपर तक ही रखो प्लीज। हाँ, इस बैग से ही पेंट लगाओ। ओह हाँ, ठीक है, समझ गई। जैसा उन्होंने कहा मैं इसे डाब करूंगी। ये रहा, एक यहाँ और एक यहाँ भी। अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। किसे पता था? देखते हैं मैं और क्या कर सकती हूँ। समझ गई, वो कहाँ चली गई? जो भी हो, वो जो मर्जी करे, बस मुझे ये चाहिए। योंक,
हाँ ठीक है, ये रहा पेंट ब्रश, आर्ट को पूरा करेंगे। फ्लावर्स के साथ सुंदर लीव्स तो होनी ही चाहिए। टाइम खत्म हुआ, मुझे अपनी रोज आर्ट वर्क दिखाओ प्लीज। हाँ मैं तैयार हूँ, ये रही मेरी पिक्चर, सुंदर है ना? वैसे सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसका तो कमाल का है। हाँ इसीलिए वो इस राउंड की विजेता है। हाँ मैं एक और जीत गई, विश्वास नहीं हो रहा। ओह कैंडी मेरी फेवरेट, देखो। हाँ बधाई हो। ये मेरे क्रश के लिए मेरा प्यार है, उम्मीद है उसे पसंद आए। तो ये लो। कैसे हो डेविड? बढ़िया, किसने मुझे क्या लिखा? हाँ मैं भी कुछ करना चाहूंगा। तुम ही मेरा प्यार हो, देखते हैं। गो मेरी बुक्स। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कितना सॉफ्ट है। वाह मेरी बुक्स। ओह हाँ तो हाँ थैंक यू, लगता है मुझे प्यार हो गया। रुको मैं जरा उसे देख लूं। हाँ ये लड़का मेरा कुछ तो लगता है। ओह मैं यही लिखता हूँ, मैं उसे याद दिलाऊंगा जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बस बन ही गया, बढ़िया। वाह मुझे याद है, तुम कितने प्यारे हो। लव यू बेबी। हाँ अब तुम्हारा लास्ट चैलेंज, एक बटरफ्लाई बनाकर दिखाओ। हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ। या फिर नहीं कर सकती? रुको नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, ये जरूर काम करेगा। पहले इस टेप के रोल की शेप ट्रेस करेंगे। हो गया। हाँ हाँ इतना काफी है। हाँ इतने से काम चलेगा। और एक और यहाँ बनाना होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, पर मुझे गड़बड़ नहीं करनी। ओह इस तरह। हाँ वो क्या कर रही है? ओह मैं समझ गई, बहुत स्मार्ट है। जब तक वो ये कर रही है मेरे पास अपना ट्रेसिंग प्लान है, तो वो चाहती है हम ऐसी बटरफ्लाई ड्रॉ करें, इस पेपर को टैबलेट पर रखेंगे, अब इस तरह पिक्चर को ट्रेस कर सकते हैं। विंग्स बन गए, अब बॉडी और सर की बारी। ओह एंटेना, और इसके विंग्स भी सुंदर दिखने चाहिए, येलो और पिंक साथ में अच्छा लगेगा, मुझे तो पसंद आया। वो तुमने ये कैसे किया? रुक जाओ अब अपना आर्ट वर्क दिखाओ। हाँ ठीक है, मैंने कैटरपिलर बनाया। ओह खैर उसकी पिक्चर पूरी बटरफ्लाई की है, बहुत अच्छी। हाँ पर देखो मेरा कैटरपिलर बटरफ्लाई बन गया। ओह मुझे पसंद आया, तुम दोनों ही विजेता हो। हाँ जब हम दोनों जीतते हैं मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। देखो इस बार हमें गम मिली और हमें शेयर भी नहीं करनी पड़ेगी, ये हम विजेता हैं। रुको मैं पहले देखूंगा। ओह फ्रेश आर्ट सप्लाई से बेहतर कुछ नहीं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, इंस्पिरेशन शुरू हो चुकी है। क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है? नहीं तो बैठो और देखो। मैं व्हाइट ऑन व्हाइट से शुरू करूंगा, दिख ही नहीं रहा। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये काम करना चाहिए। वो चौक कितना बड़ा लग रहा है, पर मुझे अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा। और मेरे लिए क्या है? पर रुको मुझे ये नहीं चाहिए, बाय बाय। अब कलर्स आने दो, अब यहाँ बन जाएगा। बस हो ही गया। हेलो हाँ कैसा है? मैं इसे कलर्स कहूंगा। दिलचस्प, सच में मेरा देखना चाहोगे? ये तो मैं आप दिखेगा, तुम बहुत तेज हो। तुमने कैसे किया? ये बहुत आसान है, व्हाइट पेपर पर व्हाइट चौक से जो बनाना चाहो वो बनाओ। अपना पहला रंग चुनो और उसे स्पॉन्ज पर लगाओ। अगला रंग प्लीज। जब ये ऐसा दिखे तो इसे पेज पर फैलाएं। और चौक इस तरह काम करेगा।
और हो गया। बहुत आसान और बहुत जबरदस्त। हाँ, ये लड़का कौन है? उसके कपड़े तो देखो। ये आया कहाँ से है? हम इसे बुलाना चाहिए। है कैसे हो? हाथ पे कुछ नहीं है। ओ, एक नहीं तो कोई दोस्ती नहीं। मैं टीचर को बताऊंगा। इंक नहीं है, ये क्या बात हुई? मिस्टर, देख नहीं सकते मैं काम कर रहा हूँ। पहला हो गया, अब क्या है? मम्मी, मुझे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता। टैटू के कितने पैसे लगते हैं? नहीं, तुम सोचना भी मत। पर कुछ ऐसा जो परमानेंट ना हो। तुम्हें स्टार्स पसंद है ना? ये नीडल से कम दर्द करेगा। पानी में डिप करें और बहुत सारी शेप्स बनाएं। एक और बार डिप करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे। देखो कैसे तैर रहे हैं। ओ, जरा रुको। क्या कर रही हो? वाओ, रिफ्रेशिंग। क्या ये मैं हूँ? अब मेरे बाजू पर करो, एक स्पाइडर बनाओ। नहीं मॉम, मुझे घर नहीं जाना। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? हे गाइस, ये देखो, मेरे भी टैटूज है। क्या? हे, उसके पास भी है। देखो। वाओ, क्या बात है दोस्त, तुमने ये कैसे बनाए? मेरी मॉमी ने बनाए। तुम्हारी मॉम कितनी कूल है। एक्सक्यूज मी, वापस आओ। बाय। आर्ट सेल, नए नए आर्ट ले जाओ। याइक्स। नहीं शुक्रिया। नहीं, एक और रिजेक्शन। ये कौन है? बचाओ, मदद करो। शांत रहो, कैसे हो? मेरा आर्ट वो कोई नहीं खरीद रहा। ग्रैंडपा, आप ये ट्रैश कैन में क्या कर रही हैं? आप इस कचरे से क्या करेंगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, तुम्हें ये देखना होगा। मैं इस लिड को पेपर पर रखूंगा। अब पेपर पर ये स्प्रे करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे। ढक्कन को अच्छे से ढकना मत भूलना। अब कोने में थोड़ा व्हाइट पेंट डालेंगे, इसे अच्छे से पूरा करेंगे। और बारी है प्लास्टिक बैग की। इस बैग को डैब करेंगे, इससे थोड़ा थोड़ा पेंट निकलेगा। तो चलो, अब इसमें थोड़ा व्हाइट पेंट और छिड़क देंगे। ढक्कन को हटा दें। देखो जरा, ये हो गया। टाटा! वाह ग्रैंडपा, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपके लिए इसे बनाना कितना आसान था। लो, तुम ये ले सकते हो। मुझे पेंटिंग चाहिए, मेरे सारे पैसे ले लो। मैं अर्जुन के साथ काम करूंगा। ऑरेंज और ग्रीन, नहीं अच्छा नहीं है। वो येलो का कितना अच्छा शेड है। ये जगह ठीक है, खूबसूरत। मुझे इसका ध्यान अपनी तरफ लेना होगा। परफेक्ट, पर ये फूल मेरे नहीं है। बिल्कुल, मैं वहाँ से एक खरीद लेता हूँ। पर ये कोई सस्ते नहीं आते, है ना? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हूँ तो गरीब ही। यहाँ कुछ है, बस पेंट ही पेंट है, तो मैं क्या करूँ? अरे, मुझे तो यही चाहिए। औरतों को फूल पसंद होते हैं, है ना? चाहे वो एक पेज पर ही पेंटेड हो। अपनी उंगलियों से कलर्स को लेयर करें और जबरदस्त डिजाइन बनाएं। इन अनोखे स्ट्रोक्स को तो देखो, बीच में थोड़ा व्हाइट और येलो, ग्रीन से ये निखर कर आएगा। ये अभी तक का मेरा सबसे अच्छा पीस है। तो चलो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे जितने ही सुंदर हैं।
वाह, ओह, ये मेरे लिए है? बिल्कुल। थैंक यू। जरा मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया? इस बार हार्ट बनाना है, तुम्हें और सप्लाईज की जरूरत है। चलो गर्ल्स, इन पेंस को तो देखो। वाह, मुझे सिर्फ यही मिला, सच में? गुड लक। मेरे पास एक आइडिया है, ये बहुत अच्छा दिखेगा। मैं एक बड़ा सा हार्ट बनाती हूँ, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर इसे एक छोटा हार्ट बनाएंगे। परफेक्ट। बकवास है। हे, मेरी ड्राइंग तो देखो, अच्छी है। काश मैं कुछ ड्रॉ कर पाती। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक ही बार में पेन और पेंसिल इस्तेमाल करूंगी। अब एक मजेदार हिस्सा, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये काफी है। यहाँ से शेडिंग करेंगे, यहाँ पर शेडिंग करेंगे ताकि शैडो जैसा दिखे। ये सही जा रहा है। अब इस तरह से काट देंगे। मिस मिस, मेरा हो गया, माफ करना। हाँ, अब अपना आर्ट दिखाओ। ओह, तुमने दिमाग लगाया मॉली, मुझे पसंद आया। सैरा, तुम्हारा हार्ट कहाँ है? वहाँ पर है। ओह, ये स्वीट आर्ट जैसा है। दोनों ने अलग अलग चीजें सोची, पर दोनों ही अच्छी हैं। मुझे पसंद आए। हाँ, शुक्रिया। स्विंग से बेहतर और कुछ नहीं है। मैं आ रही हूँ क्लेयर। वुहू! देखो मैं कितनी तेज भाग सकती हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखने के लिए शुक्रिया। वो मेरा फोन, कोई उसे बस पकड़ ले। मैंने पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। ये लो, बाल बाल बचे। नहीं, बस इस पर स्क्रैचेस ना आए हो। तुमने फोन केस के बारे में सुना है? पर ये तो बहुत डर लग रहा है। जैसी तुम्हारी मर्जी। समझ गए। अगर आपको भी एक प्यारा सा फोन केस चाहिए तो इस पर 3D पेन से डिजाइन बनाएं। तुम्हें पता है मैं क्या बना रही हूँ? मैं हिंट देती हूँ, इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे। शुक्र है मैं ये सारे ले आई थी। अब ग्रीन वाला ले आओ, इसमें बहुत सारी लाइंस बनेंगी। और ग्रीन के बाद मैं इसमें एक सुंदर सा ब्लू कलर करूंगी। देखो कितनी प्यारी लाइंस हैं। और बस ये बुरा होने ही वाला है, पर यहाँ पर थोड़ी धूप भी होनी चाहिए, इससे कोई भी खुश हो जाएगा। जब ये सूख जाए तो इसे अपने फोन पर लगा लें। मेरा नया फोन केस तो देखो, ये बहुत बोरिंग नहीं रहा है ना? क्या बात है। अब वापस काम पर लग जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्लेयर। किटी, तुम मेरी फेवरेट हो। हाँ, तुम ही। ओ, अच्छा, चैलेंज। मिस्टर किटी को ड्रॉ करो। ओ, ठीक है, मुझे कैट की ड्राइंग पसंद है। मुझे कैट वैसे भी पसंद है, बहुत अच्छा बनेगा। ये क्या कर रही है? क्या ये कैट लिख रही है? क्या, हे भगवान, मैं तो ये वाला जीत ही जाऊंगी। हाँ, मुझे अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने होंगे। पहले एक सर्कल बनाएंगे, कैट गोल हो सकती है, खास कर ये चंकी बॉय। मैं अब यहाँ से क्या करूँ, इससे भी बेहतर कुछ करना होगा। पहले मैं इसका चेहरा बनाती हूँ। और विस्कर्स नहीं भूल सकते। हाँ, हेड बना लिया। इसकी गोल सी पूंछ भी बनाएंगे, कितनी प्यारी है वो। बहुत अच्छी, अपनी किटीज दिखाओ। टडा, ये रही मेरी किटी। और ये मेरी है, मेरा ध्यान भटक गया था। खैर, ये आर्ट पूरा नहीं हुआ तो नहीं जीत सकती, तो तुम ही विनर हो। वाह, मैंने कर दिखाया, मैं और मेरी किटी एक और राउंड जीत गए। हाँ, कुकीज, मुझे कुकीज पसंद है। Hey! तुम्हें मेरी नई जैकेट कैसी लगी? मैंने ये सेल से ली है, ये 50% ऑफ पर थी। ये अच्छी है ना? हाँ, बढ़िया है, समझ गई। पर मेरी नई जैकेट तो देखो। तुम्हें मेरा नया फोन केस कैसा लगा? स्पार्कल्स पुरानी हो चुकी है, मेरे पास पॉपेट्स है। जो भी है, मेरे पास ये नोटबुक भी है और ये स्टिकर से सजी हुई है, हार्ट्स और स्टार्स और एक आइसक्रीम ट्रीट भी।
क्या? मेरी नोटबुक इतनी बोरिंग और प्लेन है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। ये रही मार्कर्स। रुको, मेरे पास एक प्लान है। ये रहे मार्कर्स और एक नाइफ। पहले हम इसकी टिप काट देंगे, अब थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि ये हार्ट जैसा दिखे। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नोटबुक लेंगे और इस स्टैम्प की मदद से मैं सिर्फ हार्ट्स तक ही नहीं रहना चाहती। ये देखो, अब यहाँ पर हार्ट और स्टार्स भी है। देखा, मेरी नोटबुक पर भी ये है और मुझे स्टिकर्स की जरूरत नहीं पड़ी। वो तुमने ये कैसे बना दिया? अब मुझे नहीं छोड़ सकती मॉम। मैं एक घंटे के लिए जा रही हूँ स्वीटी, अब खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें फिर मिलती हूँ, ठीक है? अपनी बहन के साथ खेलो। अब ये करना पड़ेगा। इसके चेहरे को तो देखो। कोई बात नहीं, हम खेल लेते हैं। चलो कार्स की रेस लगाएं। हाँ, मैं ये खेल सकती हूँ। मुझे व्हाइट वाली चाहिए। नीचे बैठ जाओ। वो कब तक वापस आएंगी? इसमें ऐसा क्या है, लड़कों को कार्स इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? हे, मैं जानती हूँ ये और मजेदार कैसे होगा। मैं टेबल पर ड्रॉ करूँगी। तो पागल हो? बहुत बुरा है, शुक्र है मेरे पास ये है। अरे यार, सब साफ कर दिया। अब हम क्या करें, हर किसी को सॉकर पसंद है ना? चलो बे, ये मजेदार होगा। हे, ये देखो, पकड़ो। मिस हो गई, पर मजा आया शायद। हे, ये वाली ट्रिक देखो, कूल है ना? नहीं, क्या बी? क्या? तुम फर्नीचर पर ड्रॉ नहीं कर सकती, मैंने कहा ना। सॉरी, पर मैं जानती हूँ कहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ। दीवार पर इतनी जगह है, ये एक अच्छा मास्टरपीस होगा। तो चलो। मेरी बाजू थक गई है। क्या भी, तुम कहाँ हो? नहीं, हे भगवान, मैं वापस आ गई बच्चों। ये क्या? आप घर आ गई। देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। तुमने दोबारा उसका ध्यान नहीं रखा, कभी नहीं रखते। रुको, मुझे ही कुछ करना होगा। क्रेयॉन को रख दो। क्या भी, ये मत करो, उसे रख दो। क्या? मैं और नहीं सह सकता। मेरा फेवरेट क्रेयॉन था। रुको, माफ कर दो, रो मत। क्रेयॉन्स के साथ मस्ती हो जाए। पहले से ब्लेड से शेव कर ले, बहुत सारे कलर्स ले। अब इस पर हाथ रखकर फैला दे। अब इस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम इसे कहेंगे मिस्टर रेनबो। लाते मत भूलना। लो, कूल है ना? मुझे पसंद आया, मैं ट्राई करूं। बच्चों, मैं घर आ गई, मेरे बिना मजा आया? दोबारा। साथ में खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। ला 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 ला। उफ्स, माफ करना क्लास। तो इधर क्या है? एक स्टार। शुरू करो। ये क्या है? पेंट सप्लाइज। रुको हो, ये मॉली रख लेगी। जरा इसे देखो। वाह, आज का दिन मेरे लिए लकी है। पेज पर एक टेम्पलेट रखेंगे। अब इस पर अलग अलग कलर का पेंट लगाएंगे। टेम्पलेट के ऊपर पेंट करेंगे, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब टेम्पलेट को हटा देंगे। वाह, रेनबो जैसा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो तुम यही कर सकती हो। मुझे एक कॉल करनी है। हेलो, हाँ, मुझे जरा मदद चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? स्टार बनाना है, आसान है। मेरे जैसे प्रोफेशनल के लिए ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखो और सीखो, कुछ और मुश्किल होना चाहिए था, पर क्या ही कर सकते हैं। लो, हो गया। सिर्फ देखो। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। ओह, पूरा हो गया। ओह, अरे वाह,
तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम ही मेरी म्यूज हो। और तुम भी ना, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। आह, मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, ये तुम्हारे लिए। तुम कितने रोमांटिक हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो चले, मेरी पेंटिंग देखो। दूसरा चैलेंज है हमारे पास। मैं दिन भर काफी एप्पल्स देखती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे शुरू करना है। और ये बन गया परफेक्ट सर्कल। लेकिन मैं स्टेम कहाँ बनाऊँ? पूरे पेज पर तो सर्कल बन गया। दूसरा वाला लेती हूँ। मुझे कहीं से मदद की जरूरत है। रुको, मुझे एक बढ़िया एप्पल दिख गया। उनका ध्यान कहीं और लग रहा है। मैं जा रही हूँ। मिशन एप्पल इम्पॉसिबल, पूरे इफेक्ट्स के साथ। मेरे पास हथियार है और मैं तैयार हूँ। बस बहुत ध्यान से इसको काटना होगा। हाँ, एनी क्या कर रही है? क्या कर रही हो? बैठ जाओ। माफ करना। ओ यार, मैं बस करने वाली थी। शायद जितना मुझे आता है वही ड्रॉ करना होगा। जैसे कि वर्ड एप्पल, ये आसान है। PPLE। एक मिनट, अगर मैं इस वर्ड को 5 से डिवाइड करूं या एक एप्पल से, तो मैं काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलो 5 को थोड़ा बड़ा बनाएं। कौन जानता था कि एक नंबर से पूरा एप्पल बन जाएगा। आप जान भी नहीं पाओगे कि एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, खासकर तब जब उसमें तुम कलर कर लोगे। बिल्कुल सही ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा बन जाएगा। उप्स, स्टेम मत भूलना। थोड़ी सी शैडो बना दो और थोड़ी और डिटेल्स, और एकदम खाने लायक बन गया। क्या आप सहमत नहीं है? तारा, मैंने कर दिया। मैंने भी। कितना असली लग रहा है और कितना फ्लैट। खैर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ब्रावो एनी, मैं जीत गई। हाँ, काश मेरे पास असली एप्पल होता। मेरे पास भी। उफ, किसी ने ये पहले से खाया हुआ है। अच्छी बात है, मेरा फ्रेश है। इस बार पहले तुम बटन दबाओ स्काई। ठीक है, व्यू घूम गया। देखते हैं इस चैलेंज में हमारे पास क्या आता है। एक यूनिकॉर्न। तुम भी एक्साइटेड हो? वो ये काफी अलग है। तुम्हें आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी होगी लेक्सी। चाहे मेरी आंखों पर पट्टी हो, लेकिन मैं बनूंगी तो एक यूनिकॉर्न ही। हाँ, इस बार हम यूनिकॉर्न की शेप के कुकीज सजाने वाले हैं। कितना मजेदार है। एप्रिंस वापस आ गए। ठीक है, तो मुझे अब आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। स्काई, तुम कहाँ गए? तुम यहाँ हो ना? पर ये वहाँ पर क्या है? हाँ, ये रही कुकी। मैं ये ले रही हूँ, जरा एक स्नैक हो जाए। लेक्सी, मुझे नहीं लगता वहाँ पर कुछ है। एक सेकंड रुको, मेरी कुकी कहाँ गई? वो कहाँ चली गई? कुकी नहीं है तो कहाँ गई? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो पता नहीं कहाँ गई होगी। मैं एक और कुकी ले आती हूँ, पर इस बार मैं लेक्सी पर नजर रखूंगी। हाँ, तो हम इस कुकी को सजाना शुरू करते हैं। हाँ लेक्सी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये रही तुम्हारी व्हाइट फ्रॉस्टिंग। शुक्रिया स्काई, मैं भी शुरू करती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। पहले कुकी की शेप को आउटलाइन करेंगे। हो गया, अब इसमें और व्हाइट कलर कर इसे फिल करेंगे। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। लगता है ये बहुत अच्छी दिखेगी। वाह, काफी बढ़िया बन रही है। बस थोड़ा सा और हो गया, पूरी कुकी कवर हो गई। अब हमें एक पेंट ब्रश और गोल्ड फ्रॉस्टिंग पेंट चाहिए। पहले नीचे की तरफ लगाएंगे और थोड़ा सा कानों की तरफ। हाँ, अब इसको हॉर्न मत भूलना। अब अपने यूनिकॉर्न की आंखें बनाएंगे। अब थोड़ी सी रेड फ्रॉस्टिंग की जरूरत है। उसे दिल की शेप के नोस्ट्रिल्स चाहिए। कितना प्यारा है, मैं इसमें बिल्कुल माहिर हूँ। अब मुझे ये वाला कलर चाहिए। ये कौन सा है? पता नहीं, पर मेरी यूनिकॉर्न को आंखों की जरूरत है। अब कलर बदल लेते हैं। इसकी सांस लेने के लिए नोस्ट्रिल्स की भी जरूरत होगी, जो कि बहुत जरूरी है। मुझे पता है, ये कमाल का बन रहा है। मेरा बन गया। और तुम्हारा स्काई? ओह नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। खैर, मेरी आंखों पर पट्टी थी, तो जो भी है। इसका नाक देखो, कितना प्यारा है। मैं इसे किस करना चाहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, बहुत सारी किसेस। कम से कम मेरे पास अपना हॉर्न तो है। बहुत डरावना है।
समझे बेर? मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं समझ गई डेविड, चलो अभी से भरो। थोड़ा तुम्हारे लिए और थोड़ा मेरे लिए। यू आर वेलकम। खुशबू तो अच्छी है। मुझे ड्राइंग नजर नहीं आ रही। वाटरिंग, ये तो बुरा हुआ। शायद मैं इनका कुछ कर सकती हूँ। वाह, जो हुआ अच्छा ही हुआ। बस थोड़ी सी और शेप्स बनानी है और ये काफी मजेदार बन जाएगा। प्यारे से कान। और अब बॉडी पर आते हैं। आर्म्स कैसे भूल सकते हैं? और चेहरे से ये अच्छा दिखना शुरू हो गया। इसमें कलर्स चुनना बहुत आसान है, खासकर अगर इसका नाम ब्राउन बेयर हो। ये बिल्कुल वैसा टेडी बेयर है जिनसे मैं बचपन में खेला करता था। इन लाइन से ऐसा लगेगा कि ये फर है। लेग्स में भी यही करेंगे। परफेक्ट। और ये बहुत प्यारा है। मार्कर्स रख दो दोस्तों। अरे वाह वाह, तुम दोनों ने टेडी बेयर्स बना लिए। समझदार लोग एक जैसा सोचते हैं। पता था साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है। ओ, मैसेज आया। ओ नहीं, मैं जीना का बर्थडे भूल गया। मुझे उसके लिए गिफ्ट लाना होगा। मैं यहाँ क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखते हैं। अब मुझे बस गिफ्ट चाहिए। वाओ! आउच! हे, मैं रिबन इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाद में बहुत दर्द होगा। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। सही जा रहा है। लो, अच्छा लग रहा है। मैं इसमें और क्या डालूं? एक डॉल। ओ, एक और डॉल, मुझे यही तो चाहिए। नहीं, फूल। ये अच्छा आइडिया है। ये खूबसूरत है। ये बीस कहाँ से आ गई? उन्होंने मुझे काट लिया। मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये एक अच्छा आइडिया है। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलो भी सोचो। ओह, मैं समझ गया। मैं उसके लिए जर्नल बना सकता हूँ। पहले एक आम सी नोटबुक लेंगे, बैक कवर खोलें और कोने पर ग्लू की पतली सी लाइन डालें। साइड और नीचे की तरफ भी ऐसा ही करें। अब हमें एक पिंक रिबन चाहिए। इसे ग्लू पर लगाएं। पेज के नीचे की तरफ और ज्यादा पिंक रिबन लगाएं। जब ये हो जाए तो हमें ग्रीन रिबन चाहिए। और अब इन ग्रीन रिबन को पेज के साइड लगाएं और गैप ना छोड़ें। इन्हें बिल्कुल साथ साथ लगाएं। अब इसे उल्टा करें। अब पिंक रिबन को इस तरह फोल्ड करें और ग्रीन रिबन को पिंक रिबन के बीच से निकालते जाएं। हर रिबन के स्ट्रैंड से पूरे नोटबुक पर ऐसा कर लें। ये बन गया लैटिस इफेक्ट। अब नोटबुक को खोलें और बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्लू लगाएं। जो फालतू का रिबन है उसे फोल्ड कर दें और ग्लू से चिपका दें। ध्यान रहे कि अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर दोबारा ग्लू लगाएं, रिबन के बिल्कुल ऊपर ऊपर। इन्हें बस तीन कोनों पर ही करना है। अब इसके ऊपर एक कार्ड की शीट लगा दें, अच्छे से दबाएं ताकि ये टिका रहे। लो, एक होममेड जर्नल। उम्मीद है जीना को पसंद आए। मैं जीना के बर्थडे के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। वाह, श्रेडेड पेपर। थैंक्स। सच में? बॉक्स में तो देखो। ओह अच्छा, थैंक यू। तुम सबसे अच्छे हो। मैं जानता हूँ। hey, क्या तुम भी वो देख सकते हो? hey, मेरे भगवान, इसके दांत कितने बड़े हैं। ओह नहीं, बढ़ता जा रहा है। घबराओ मत, ये नहीं मार सकता। खैर, शांति मिली। पर हमारा अगला ड्राइंग चैलेंज यही है। हाँ ठीक है, तो पेपर पर नंबर 5 लिखेंगे। मैं जानती हूँ क्या कर सकते हैं। पहले बस इसके साथ लाइंस बनानी है, इस तरह पीछे की तरफ। एक आंख और दांत भी। डायनोस को लेग्स और आर्म्स भी चाहिए, उसे चलना जो है। हाँ, अब कलर करेंगे। ये थोड़ा डरावना दिखना चाहिए। बस थोड़ा सा और हो गया। हाँ, अच्छा लग रहा है। अपनी नजरें अपने पेपर पर रखो। हे, चलो भी, जरा सा तो देखने दो। हे, एक सेकंड रुको। पेंसिल्स, ये जरूर मेरे काम आएंगी।
हाँ, यहाँ थोड़ा टाइट करना है। इस पेंसिल के साथ थोड़ा सा मैंने इस पेंसिल के ऊपर वाली इरेजर की शेप्स बना दी। इस वाली का हार्ट और इस पर स्टार। हाँ, अब इसे उल्टा कर देते हैं ताकि इस पर काम कर सके। हाँ, अब हम अपना मार्कर ले लेंगे। एक एग शेप बनानी है। अब इरेजर्स की बारी। इन्हें पेंट में डिप करेंगे और डैब करेंगे। हाँ, रुक जाओ, अब अपना आर्ट वर्क दिखाओ प्लीज। ये रहा मेरा मिस, उम्मीद है आपको पसंद आए। और ये रहा मेरा, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। क्या ऐसा भी होता है? पर तुम्हारा अच्छा है, तुम ही विजेता हो। मैं सच में? यस। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे चिप्स पसंद है, पर अगर दोस्त के साथ खाए जाए तो और भी बेहतर। और मुझे एग बहुत प्यारा लगा, शुक्रिया। सफाई करना मेहनत का काम है। मैंने आखिरी बार सफाई कब की थी? ध्यान दो, ये तुम चूरा फैला रही हो, ध्यान दो। हे, मैं देख नहीं पा रही। जूली, स्क्रीन की तरफ देखो। ओ नहीं, अब वो क्या करने वाले हैं? मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। अरे आराम से खाओ। प्लेयर 456 तो हारने वाला है। मुझे देख देख कर बहुत भूख लग रही है। तुम ये काफी देर से देख रही हो, तुम आखिरी बार नहाई कब थी? तुम्हें इसकी जरूरत है। ये थोड़ा बेहतर है। तुम जानती हो हमें अब कुछ करना होगा। ये बन गया एक फॉइल हेड। टडा! पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसे ट्रेस करने के लिए ब्लैक ग्लू इस्तेमाल करें। जब ये हो जाए तो वुड से भी एक ऐसी ही शेप बनाएं और इस तरह की स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें और सब साथ में स्टेपल कर दें। परफेक्ट। अब ये फॉइल हेड के ऊपर रहेगा। और अब मास्क बनाने के लिए ब्लैक ग्लू इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। एक क्वार्टर पूरा हुआ, बस इसमें ऐसी क्रिस क्रॉस लाइंस बनानी है। कहा था ना सबर से काम होगा। अब दूसरी तरफ। समय कैसे बीतता जा रहा है ना? फिर अब वाइट की बारी। अब आप समझ रही हैं? अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो आप जानते हैं कि ये क्या है। डरावना है ना? बस एक और एपिसोड। फोकस। हाय। हाँ? क्या ये नहीं हो सकता। मुझे मारना मत, मुझे नहीं खेलना। बंदूक बनाया। ओह, ये कितना कूल है। मैं इतनी ही टैलेंटेड हूँ। कितना असली लग रहा है ना? ये मेरा अपना क्राफ्ट है। जूली, देखो, क्या इसे भी तुमने बनाया है? मुझे नहीं पता ये कौन है। तो वो कौन है? जल्दी भागो। उस स्क्वैडल को बोलो मेरी आइसक्रीम वापस देकर जाए। इस रोड से नहीं जाऊंगी। हाँ, चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट में सबसे अच्छा हूँ। पेंटिंग मजेदार है। ओ नहीं, उसके कंप्यूटर पर पेंट लग गया। समझ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। देखो ये तो फैल रहा है। ओ नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। ये पूरा पिंक हो गया। वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी। उठ गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, मुझे शक हो रहा है। एक सेकंड रुको। मेरा लैपटॉप, इसे क्या हो गया? तुमने इस पर पिंक कलर कर दिया। वहाँ क्या है? एक स्ट्रॉ। रुको, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हाँ, ये रहा मेरा खराब हुआ हुआ लैपटॉप। मुझे और पेंट चाहिए। जी हाँ, और ज्यादा पेंट लगाना ही इसका हल है। व्हाइट और येलो भी, और थोड़ा पर्पल। कितना सुंदर है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउनिश येलो डालेंगे। हाँ, अब स्ट्रॉ की बारी है। इस पेंट पर फूंक मारना शुरू करेंगे। लैपटॉप के ऊपर इसे फैलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे। बस करते जाए। अलग अलग कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन पैटर्न्स और टेक्सचर से कितना कूल लग रहा है। वाह,
ये तो एक जबरदस्त आर्टवर्क बन चुका है। कितना खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें याद आ रही हैं। ये इतना प्यारा बन कैसे गया। वाह, इस कंप्यूटर को देखो, कितना कूल है, कितना प्यारा है। मैथ्यू को ये पसंद आएगा। ओह, शायद नहीं, इसे ठीक करना होगा। बहुत बढ़िया, मेरे पास इरेजर नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पेंसिल केस में होगा। वो कहाँ है? मैं जानती थी मेरे पास है। जरा रुको। जीना, मैं तुम्हारा इरेजर ले लूं? प्लीज। बिल्कुल, ये लो। उप्स। हे। थैंक्स, मुझे अच्छा लगा, मुझे यही तो चाहिए। मैथ्यू के पास ये होगा, मैं उसके पास जाती हूँ, वो हैरान हो जाएगा। मैथ्यू बहुत दूर रहता है, बाद में नहाना नहीं पड़ेगा। मैं जैकेट क्यों नहीं लेकर आई? मैं उसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कैसे हो सकता है, वो भी मेरे इरेजर के साथ? बहुत बुरा है। पागल मैथ्यू, वो ये कैसे कर सकता है? मैं उसे अब कभी अपना इरेजर नहीं दूंगी। अब मैं क्या करूं? जीना। हाँ, तुम कब से यहाँ हो? शार्पनर इस्तेमाल करो। कैसे? एक मिनट रुको, मैं समझ गई। शुक्रिया। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले इसे उल्टा करेंगे और इसके इस तरफ ग्लू लगाएंगे। मैं इसे पूरा ऊपर तक भर दूंगी। अब इसे सेट होने देंगे, इतना काफी है। ग्लू से ये इरेज हो जाएगा। ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इस ड्राइंग को पूरा करते हैं। हाँ? मैंने सोचा मैं मदद कर दूं और मैं तुम्हारे लिए ये लाया। ओह, कितना क्यूट है। मुझे माफ कर दो। हाँ, इस बार मैं पहली बटन दबाती हूँ और देखते हैं क्या आता है। एक पेड़, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। रुको, मैं दोबारा हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। देखते हैं इस बार जादू से क्या आता है। ओह, तो हमारे पास है एक इंक की बॉटल और एक स्ट्रॉ। खैर, तो शुरू करते हैं। जरा अपनी एल्बोस को शो ऑफ करो। बहुत अच्छे। अब इंक की बॉटल को खोलेंगे। हाँ ठीक है, शुक्र है हम स्ट्रॉ को मुँह से उठा सकते हैं। हाँ, अब इससे मैं इंक निकाल सकती हूँ। ये आ रही है। मैं स्ट्रॉ का क्या करूँ? ओह नहीं, वो उसे पी रही है। रुको, वो इंक है, सोडा नहीं। ओह क्या? ओह, मुझे लगा तुम ये पी रही हो। मैं जैसा कर सकती हूँ वैसे ही ड्रॉ करूँगी ना। मुझे जहाँ जहाँ इंक लेकर जानी है मैं वहाँ फूंक मार रही हूँ। वाह, कितना जबरदस्त बन रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम एक स्ट्रॉ के साथ ये सब कर सकती हो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे थोड़ी और जोर से फूंक मारनी होगी। चलो चलो भी बकवास इंक। रुको, मेरे चेहरे पर क्या है? मेरे चेहरे पर इंक आ गई। ये इतना रो क्यों रही है? कितना गंद मचाती है। रुको। हो? रुको क्यों? देखो, मेरे पास पिंक पेंट है। बस पेंट की एक लाइन स्क्वीज करनी है और अब एक और कलर भी। ठीक है, पेंट लाइन्स तैयार है। अब मुझे एक कॉटन स्वाब चाहिए। लाइट पिंक कलर में इसे डुबोएंगे और अब देखो, इन ब्लैक इंक की ब्रांचेस पर हम इसे डैब करेंगे। ये फूलों की तरह लग रहे हैं, जैसे स्प्रिंग के मौसम में छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे बनता हुआ बहुत पसंद आ रहा है। कितना खूबसूरत है ना। तुमने मेरी फ्री को खास बनाने में बहुत मदद की। मैं इस पर साथ में काम कर बहुत खुश हूँ। मैं भी। आपके पास आर्ट पीस के लिए कूल आइडियाज हैं, पर ये नहीं पता कि करना कैसे है? तो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपके आम से आइडियाज को एक मास्टरपीस बना दें। आप क्रिएटिविटी शुरू करें। चलो गाइस, पिकनिक का टाइम है, अपना खाना खाओ। मैं बोर हो रही हूँ। सिसी का फोन। पर मैं इसे खोल नहीं सकती। बस
उसका चेहरा ही तो चाहिए। आराम से उठ मत जाना, तेज प्लीज। आईबॉल्स के बिना काम नहीं चलेगा। ये टेप काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बस इसके लिड्स खोलने हैं पर उठने नहीं देना। और दूसरी तरफ भी। हे हो गया। चलो उसे एक ही बार में खोल देते हैं। कुछ हुआ? ये काम नहीं कर रहा। हो? इसका फेस नेचुरल लगना चाहिए। चलो भी ये बंद करो। इसे हुआ क्या है? बंद भी हो जाओ। हिलना बंद करो। हाँ ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। एक मिनट रुको, मैं ये पेपर इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसे इसके चेहरे पर रखकर इसका फेस ट्रेस करेंगे। और फोन का लॉक तो हमारे चेहरे के शेप्स के हिसाब से ही खुलता है। हे, सीधी तो रहो। बस हमें जॉलाइन ठीक से बनानी होगी। क्या बात है, एक मास्टरपीस तैयार है। ये क्या कर रही हो? ये कुछ जाना पहचाना लगता है। अगर तुम मेरा फेस ही ड्रॉ करना चाहती थी तो फोटो ले लेती। ओह, मैं तुम्हें कर दिखाती हूँ। पहले तुम्हें अपनी पेंसिल्स लेनी होगी और इस तरह उन्हें जोड़कर एच बनाएंगे। देखा, तैयार है। अब चेहरे को ट्रेस करना शुरू करेंगे। दूसरी साइड भी बनता जाएगा उसके साथ साथ ही। देखा, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और आर्ट पेंटिंग की भी जरूरत नहीं है। देखो बिल्कुल वैसी ही लग रही है ना, जैसे कि इसे शीशे में ही देख रही हूँ। हे, ये काम किया, फिर मिलते हैं। कुछ भी करना पर टेक्स्ट मत देखना और कैमरा रोल भी नहीं। हाँ, तो अगला चैलेंज शुरू करते हैं। ओह, इतने सारे पेंट्स मेकअप ब्लेंडर्स के साथ, कितना स्क्विशी है। मुझे अपना मेकअप देख लेना चाहिए। मुझे थोड़ा टचअप करने की जरूरत है। हाँ मुझे भी इसका। और देखो वीओ। देखो ये ब्यूटी ब्लेंडर पर रुका। ये, और अब हमें बड़े बड़े कैनवासेस पर काम करना है। हाँ तो ये अब तैयार है। और हाथ कितने चलेंगे? अरे यार, इस बार हम दोनों ही हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पेंट करें। आओ, मेरा सर। आउच, हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। मैंने थोड़ा सा येलो कलर ब्लेंडर पर लगा लिया। अब मैं इसे अपने कैनवास पर डार्क करूंगी और एक सीधी लाइन बनाने की कोशिश करूंगी। अब हम लाइट ब्लू कलर लेंगे और कैनवास की इस तरफ पेंट करना शुरू करेंगे। जो हमने येलो कलर किया था हमें उसके ऊपर थोड़ा ऑरेंज करना होगा। थोड़ा सा लाइट पिंक लेंगे और मैं इसे इस तरफ लगाऊंगी। अब मुझे ये सी ग्रीन कलर चाहिए। ये कितना मजेदार है ना लेक्सी। हम पर वापस चलते हैं। इस तरफ थोड़ा ग्रीन कलर लगाएंगे, इन पिंक्स को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये ओम्ब्रे इफेक्ट कितना मजेदार लग रहा है। वाह, कितना खूबसूरत है। मेरा भी काम पूरा हुआ, काफी सारा काम था। वो, मैंने इससे काफी अलग बनाया है। वाह, खैर देखा मैंने क्या बनाया। लेक्सी, मेरे वाले को देखो। हाँ हाँ, ये अच्छा है स्काई। वो, तुमने ये सब कैसे किया? हाँ शुक्रिया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैंने बना भी लिया। खैर इसके सामने मेरा वाला तो अच्छा ही नहीं लग रहा। सुनो उदास मत हो, हम तुम्हारे वाले को भी अच्छा बना सकते हैं डेजी की मदद से। पहले इसे कैनवस पर इस तरह रखेंगे। अब ब्यूटी ब्लेंडर पर थोड़ा व्हाइट पेंट लगाएंगे। इसके पेटल्स के कोनों पर हम ये पेंट लगाएंगे। चलो यहाँ पर एक और करें। वाह स्काई, तुमने तो इसे और अच्छा बना दिया। अब मुझे मेरा वाला अच्छा लग रहा है। देखो ये पेटल से कितना बढ़िया पैटर्न बना, बहुत सुंदर है। मुझे मदद कर खुशी हुई। वाह, अरे ये तो अटक ही गया है, मैं इसे खा सकती हूँ? हाय, आओ बैठो वाली। ठीक है, मेरी तरफ मत देखो। इससे बात करती हूँ, ये अच्छी लग रही है। ये कलर मुझ पर सूट करता है। अच्छा ठीक है क्लास, अपनी किताबें खोलो, अब ये भी करना होगा। आज का लेसन बहुत दिलचस्प है। हाँ ठीक है। इसकी नोटबुक्स कितनी अच्छी है। मैं नोट्स ले लेती हूँ। हाँ मेरा पेन बहुत प्यारा है। काश मेरे पास ये चीजें होती। ये सब तो बहुत बोरिंग है, ये ठीक नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? जरा रुको, क्या हुआ है? मुझे उससे जलन हो रही है। जरा दिखाओ,
ये तो बहुत फैंसी है। मैं मदद करता हूँ। सच में? इस सिंपल से ट्रिक से अपने पेंस को अपग्रेड करें। पेन से इसके पार्ट्स निकालें, अब इसमें ग्लू भर दें, कुछ गड़बड़ ना हो। इतनी काफी है। अब इसमें ग्लिटर डालें। अब इंक को वापस केस में डालें और इसे बंद कर दें। अब ये पेन बोरिंग नहीं रहा। अच्छा है ना? वाह, जरा इसे देखो। और इसे बिल्कुल मत भूलना। ओ, ये कितना प्यारा है। थैंक्स। जरा रुको, अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वाह, आप तो बहुत स्टाइलिश है। ये मुझे दो। ये नहीं चलेंगे, तुम्हें मेकओवर की जरूरत है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। कैसे? आपने ये कैसे किया? क्या फर्क पड़ता है, कितना बढ़िया है। आप मेरे फेवरेट टीचर हो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? वाह, तुम्हारी नई लुक बहुत अच्छी है। ओह, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। सच में? मेरे लिए? थैंक्स। बेस्टी। सेल्फी। मुझे ये ग्लास बहुत पसंद है। ओह, मुझे चेंज करना होगा। तो आज का लेसन? ठीक है, ये जगह ठीक लगती है। हाँ, यही तो चाहिए, पेड़ और नेचर। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा। क्या? हे, इस तरफ नजर मत डालो। जो भी हो, ठीक है, तो मैं यही रहूंगा। मैं क्या पेंट करूं? सिंगल। वो कितना प्यारा है। बस डेविड उसे ना देख ले। मैंने वो पहले देखा। आहा, जो सबसे अच्छा बर्ड पेंटर होगा वही जीतेगा। बस पहले कुछ सर्कल्स बनाएंगे, हमें लाइंस का ख्याल रखना होगा। बढ़िया है ना? थोड़ा कलर करते हैं, ये उभर कर आएगा। येलो कलर अच्छा रहेगा, है ना? और ये इस पर जरूर जचेगा। और अब थोड़ा ग्रीन करें, साथ में कितना अच्छा लग रहा है। अब ब्लू कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। पहले कोनों पर कर लेते हैं, ये सही रहता है, इससे ये आसान भी हो जाएगा, है ना? बस हो ही गया। बस कुछ फिनिशिंग टचेस और ये ऐसे किया जाता है दोस्तों, एक असली मास्टरपीस। कैसा लगा? हाँ, मुझे पसंद आया। ये क्या है? मुझे अपने हाथ की जरूरत थी और हमें बस यही इस्तेमाल करना है। खैर, बस डॉट्स और लाइंस के लिए इतना ही काफी है। आपने बर्ड का चेहरा देखा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और अब यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे। और प्यारे प्यारे छोटे पैर। थोड़ा ग्रीन कलर करेंगे, वो अच्छा लगेगा। अब दिख रहा है बर्ड। मैं कितनी क्रिएटिव हूँ ना? खैर, तुम देखना ही चाहते हो तो देखो। ओह, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हम टीचर से पूछें? सच में? बस वो ठीक हूँ। वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हे, ओ, हो गया। ओ, बहुत अच्छे। अब बस मुझे 5 मिनट देना। हाँ तो ठीक है। मॉर्निंग जूली, मेरा नयामक कितना सुंदर है ना? ओ, बहुत प्यारा है। मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बटर फिंगर्स। हाँ तो ठीक है, मुझे इसे कहीं रखना होगा। वो शेल्फ तो बहुत ऊंचे हैं। जूली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, हील्स में भी नहीं।
फिर मिलते हैं। वो देख तो नहीं रही ना, हम वो मग लेकर रहेंगे। बस पहुंच ही गई, मैं यही से टेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, ओ नहीं, ये कैसे हो गया? अब तो मैं गई। मुझे सबूत मिटाने होंगे। इसके नीचे देखता भी कौन है? मेरा 3D पेन। शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पहले फॉइल से एक शेप बनाएं। जब ये पूरा कवर हो जाए तो इसे सूखने दें और फिर निकाल लें। अब हमें थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है। एक बड़ा सा दिल बनाते हैं और अब उसे फिल करें। इस तरह ऊपर नीचे लाइंस बनाते जाएं और ये हो गया। एकदम शांति से करना होगा। लो। चलो देखें। ओहो, ये मग कितना प्यारा है। के साथ स्विमिंग करना चाहोगे? ओह बिल्कुल, मुझे आइडियाज आ रहे हैं। और मुझे भी। जीना इतनी अच्छी फिश कैसे ड्रॉ कर रही है? हे जीना, वो देखो भूत। ये लो। क्या? ओ, तुम तो गए डेविड। मैं इसे अपना मूड खराब नहीं करने दूंगी। एक असली आर्टिस्ट ऐसी चीज से भी कुछ बना सकता है। डिजाइन काम आ सकता है। हमें बस कुछ अलग सोचना होगा और इसमें हमें फिशेस का कुछ करना है। इन सब का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। इनका अपना अलग अलग स्टाइल है, देखा? पर जरा सा कलर ही इस फिश में जान ला सकता है। देखा, मैं अपनी लाइन टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। स्केल्स में भी रंग भरे। आउटलाइन से सब इसके बीच में ही रहता है। अब मैं बाकी के दो फिशेस पर भी यही करूँगी। पर अलग अलग डिजाइन में आपको कलर स्कीम भी बदलनी पड़ती है। इसे हम येलो करेंगे और थोड़ा सा पर्पल करने से ये काफी अलग लग रहा है। ये दोनों कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पर टर्कोइज मेरा मन पसंद रंग है तो मैं इसे आखिर में ही रखूंगी। ऑरेंज ब्लू के साथ अच्छा लगता है। मुझे बीच में कौन सा रंग करना चाहिए? येलो। बिल्कुल, ये सभी कितनी अच्छी लग रही है, है ना? ऐसा लग रहा है कलर होते ही इनमें जान आ गई। ये आँखों को लुभा रहा है। फिशेस वैसे ही बहुत मजेदार होती है। हम बबल्स को तो भूल ही गए। सब हो गया, मुझे वो फिश दो। पहले मैं ही दिखा देता हूँ। हाँ ठीक ही है। तुम्हारा कैसा है जीना? अच्छा, तो तुम इसकी बात कर रहे हो? बहुत अच्छे। ये तो उल्टा ही पड़ गया। जरा सा मैं यहाँ पर लगाता हूँ और शेडिंग करेंगे। मैं लेट कैसे हो गई? क्या अभी? हाँ, हाय। माफ करना, मैं आ जाऊँ? ठीक है। थैंक यू। मैंने क्या मिस किया? ध्यान दो। तो क्लास शुरू करो। मैंने सुन लिया। ये भगवान, मैं भी ऐसा बना सकती हूँ पर पेंट से नहीं। इससे काम करना होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओह, मैं सामान सारा लाया हूँ ना? एक्सक्यूज मी, एक मिनट को देखो, ये तो इरेजर है। पर मैं इसका क्या करूं? उसका सामान तो देखो, उसके पास कितने ब्रशेस हैं और मेरे पास एक भी नहीं। मैं कुछ सोचती हूँ। तुम मेरे साथ शेयर कर लोगे? क्या मेरा सामान? हाँ, पेंट। मुझे नहीं लगता। वो कितना सेल्फिश है, तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। पर मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं आ रही हूँ। टीचर देख तो नहीं रही ना?
आइडिया, मैं ये लूंगी। इसमें और क्या है? कुछ भी नहीं। बिंगो, पेंट बेबी। अब डेस्क पर वापस चलते हैं। उसका आधा बन चुका है। चलो रेड कलर से शुरू करें। और ब्रशेस ना हो तो फिंगर्स इस्तेमाल करो, और फिंगर्स से काफी अच्छा टेक्सचर आता है। आपको ये पैरेट लग रहा है? ये स्ट्रोक्स फेदर्स की तरह लगेंगे। देखो अब ये बन रहा है, कितना असली लग रहा है ना? ओह, ठीक है, चलो रख दो। क्लास जस्टिन तैयार है? हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है जस्टिन, अपना दिखाओगे अभी? और इसमें ब्रशेस की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे विश्वास नहीं होता, क्या बात है, ब्रावो गैबी। अच्छा, थैंक यू। नो हार्ड फीलिंग्स। बहुत अच्छे, आर्टिस्ट होने के फायदे। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ असली दिखना चाहिए लेडीज। इसके लिए माफी चाहते हैं। क्या हमें हाथ बनाना है? ठीक है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, चलो देखें। ये हाथ काम करेगा, लेकिन ये वाला काफी बेहतर है। हाँ, एक हाथ उधार लेने की बात हो रही है, मुझे बस इसे यहाँ ट्रेस करना है। ये राउंड मैं ही जीतूंगी। हे देखो, एक मिनट, सच में ठीक है, ये चीज मजेदार है। वैसे मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची। हाँ एनी, खैर ये अजीब था, वहाँ थोड़ी वैक्स महसूस हुई। हाँ परेशान मत करो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। रुको, पता है क्या, ये काम आएगा। आर्ट एक इंस्पिरेशन है, कॉपी करना नहीं। और इन ट्विस्टेड फिंगर्स ने काम कर दिया, लाल नाखूनों ने जरूरी है ना? ये चीज काफी काम आ रही है। बन गया, वो कहाँ गई? ओह, वैसे भी हे, हाथ दिखाओ। ठीक है, वो उन्होंने ये कैसे बनाया? इसके सामने मेरा कितना बेकार लग रहा है। हे भगवान, बहुत खूब, वो किसे हाथ दिखा रही है? मेरे प्राइस को। और वाओ, ये शानदार है, मैं आर्ट क्वीन हूँ। जलन हो रही है, बहुत बढ़िया, इसके बारे में सोचना भी मत। अगले चैलेंज में आपको यूनिकॉर्न बनाना है। हाँ मुझे यूनिकॉर्न पसंद है, वो हॉर्स जैसे होते हैं ना, मुझे एनिमल्स बनाने नहीं आते। क्या, जरा ये देखो, काफी कैश है, ये तुम्हारा है, अगर तुम मेरा यूनिकॉर्न ड्रॉ कर दो। सारा, नहीं, खुद ड्रॉ करो, तुम्हारा ही नुकसान है, मैं इस राउंड में फेल हो जाऊंगी। बहुत ड्रामा करती है। मेरे पास इसके लिए एक हैक है, पहले मैं पेपर पर हाथ रखकर इसके आसपास ड्रॉ करूंगी, अब इसे फिल करूंगी। यूनिकॉर्न बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, अब इसमें कलर करेंगे। यूनिकॉर्न के लिए पिंक सबसे सही रहेगा। ओह कितना प्यारा है, हॉर्न पर भी कलर करेंगे। कितना जल्दी बन गया। हो गया। हाँ जरा इसे देखो, तुम इतने खुश क्यों हो? इससे मुझे एक आइडिया आया, मैं मॉली को कॉपी कर सकती हूँ, पर मेरा यूनिकॉर्न अमीर होगा, इससे हॉर्न सही बनेगा। ऐसा आर्ट बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो कैसा लगा? सच में ये तो बिल्कुल मेरे वाले जैसा है। नहीं मेरा वाला ज्यादा महंगा है। देखो टीचर। ओह क्या बात है, कमाल कर दिया, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, इस बार तुम्हें जीतने दूंगी। Oops. अगले चैलेंज के लिए तैयार हो? एक कैक्टस,
तुम तो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम देखना। चलो ये आसान होना चाहिए, मुझे जान लगानी होगी। कोई परेशानी नहीं, तुम ये कर सकती हो। बस हो ही गया, आखिरकार हो गया। फिर इसमें डिफरेंट बताओ, मुश्किल है ना? ये क्या है, जरा यहाँ देखो। पहले मैं स्पॉन्ज को सीधा खींचूंगी और लिम्स के लिए छोटे स्पॉन्ज। अब फूलों की बारी, मुझे बस थोड़ी डिटेल्स लगानी है। हो सकता है मैं इसके बाद इसे फ्रेम करूं। तो तुम्हें कैसा लगा? खैर ये दोनों ही ग्रीन है। हार नहीं माननी, ये कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं है। वाह, एक कैक्टस पिनाटा, इसके अंदर कैंडी होगी। जानने का एक ही तरीका है, मैं ये ब्लाइंड फोल्ड लगा लेती हूँ। ठीक है, पूरी जान लगानी होगी। क्या बात है, देखो। हाँ, तुमने कुछ कहा? वो कहाँ चली गई? हेलो, उसकी मर्जी। क्या हुआ है? हे, ये कैंडी कहाँ से आई? मेरे नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही स्केल लेना थोड़ा मुश्किल है, पर मजेदार भी। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? मेरी शिप है। जो भी हो, मैं अपने नेल्स पर फोकस करती हूँ। ठीक है, मुझे पूरा करना होगा। ओ नहीं, मेरी पेंसिल। और मेरे पास शार्पनर नहीं है। ओ, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? मेरी पेंसिल टूट गई और मैं शार्प नहीं कर सकता। ये लो। ओह ठीक है, कैसा लग रहा है? नहीं, पेंसिल पर इस्तेमाल करो। ओह हाँ ठीक है, नेल फाइल के ऊपर इसे रगड़ना होगा। काम कर रहा है, देखो। अब मैं अपनी ड्राइंग पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा था ना, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। रुको, मैं जरा पोज करूं। ये कैसा है? बकवास। ओह समझ गया, वहाँ पर जाओ। ठीक है, तैयार हो? ये हुई ना बात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना हाथ सर पर रखो। ऐसे? बहुत हुआ, कमाल है। और कितना समय लगेगा? हे, मैं जाग रही हूँ। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, कोशिश तो की। ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम है। मैं आर्ट में अच्छा हूँ, मैथ में नहीं। तुम इसे पढ़ सकते हो? मैथमेटिक्स, मुझे पता है। दो, अपना खोलो। क्या? मुझे भी एक मिला। सुनो, हमें इन्हें मिलाना होगा। मैं समझ गया। क्या ये तुम हो? देखते जाओ। मैं सुन रहा हूँ। इसके साथ? हे भगवान, ये इतना तेज क्यों है? हाँ ठीक है, समझ गए। मैं इसे खुद ही देख लेता हूँ, थोड़ी आर्ट मैजिक के साथ। एक को जिराफ बनाए, कितना प्यारा है। और दो को एक स्वान, बिल्कुल। पर तीन एक सुंदर तितली में बदलेगा। और चार ये छोटी मछली में, कितना क्रिएटिव है ना? मुझे ऐसी मैथ पसंद है। तुम काफी क्रिएटिव हो केविन, मेरी अब यहाँ और जरूरत नहीं है। मेरी सॉल्व करना चाहोगे? आर्टिस्ट का काम कभी खत्म नहीं होता, अब देखो और सीखो। हे लिटिल सी हॉर्स, बेबी स्क्वायरल के दोस्त बनना चाहोगे? अब वो तुम्हारा पड़ोसी है।
और साथ के साथ हम समुद्र में जाएंगे और आखिर में एक प्यारा सा टेडी बेयर। हो गया, मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें नहीं लगता मैं कोई बहुत थका हुआ है? उठ जाओ। हाँ, सब हो गया। ये देखो, बहुत अच्छे, तुम एक क्रिएटिव चैंपियन हो, एक मॉडर्न डे पिकासो। बोलो चीज। एक लव हार्ट, कितना प्यारा है। देखते हैं व्हील कौन घुमाता है। मैं थंब वॉर्स में माहिर हूँ। हाँ, मैं जीत गई। जीत नहीं वाला था, बस कुछ बुरा ना आ जाए। पेपर इस्तेमाल नहीं करना तो फिर मैं ड्रॉ कैसे करूँगा? ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। ये देखो, पहले मैं बीच में एक लाइन बनाऊंगी और एक और अब कुछ लाइन ऊपर और नीचे। इनके इस्तेमाल करने से पहले पेंसिल से गाइडलाइंस बनाना बढ़िया रहता है। जब बेसिक शेप बन जाए तो कोनों से गाइडलाइंस को इरेजर से मिटा दे। अब एक पेन ले और लाइंस के ऊपर ऊपर बना दी जाए। इससे एक बढ़िया 3D इफेक्ट मिलेगा। अब इसमें कलर करेंगे। याद से लाइंस के अंदर अंदर ही करना। जब ये हो जाए तो अंदर के कोनों पर शैडोइंग करें। ये एक आम पेंसिल से भी हो जाएगा। जहाँ भी आपको लगे कि शैडो हो सकती है वहाँ करते जाएं, या फिर जिस हिसाब से आपको लगे कि वहाँ लाइट आएगी। एक लव हार्ट बनाने के लिए ये अलग तरीका है, पर है बहुत बढ़िया। हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह, मतलब ठीक ही है। मैं क्या इस्तेमाल करूं? समझ गया, मेरे हाथ। ये काफी बेसिक है, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। समझ गया, ये हार्ट ही है। हाँ, ये कैसा रहेगा? ये हार्ट ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ करना। ठीक है, अब तुम्हें कैसा लगा? अरे बस भी करो, मैं ये कर सकता हूँ। चलो फिंगर्स, मुझे निराश मत करो, मैंने ये कर ही लिया। मुझे बस रेड पेन चाहिए। एक फिंगर को दूसरे के ऊपर रखें और एक लव हार्ट बनाए। अब एक रेड पेन से इसे फिल कर दे। ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे पसंद आया, या फिर मुझे इससे प्यार हो गया। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। एक स्माइली फेस बनाते हैं। सच्चे प्यार के लिए एक और होना जरूरी है। कितना रोमांटिक है, देखो। सच में? ओह, कितना प्यारा है। जरा रुको, मेरे पास भी एक आइडिया है। इसे खराब मत करना। बहुत अच्छा लगेगा। लो, ये हग कर रहे हैं। मैं बस रो ना दूं। ये बहुत प्यारे हैं। मैंने सारा खाना इकट्ठा कर लिया। नहीं, ये गिर गया। ओ नहीं, मैं इसमें कितना बुरा हूँ। रुको, क्या वहाँ पेंट है? हाँ, ये पेंट है और एक ईजल। वो इसे यही छोड़ गए। मुझे अब आर्ट करना है। क्या वो यही कहीं है? मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। नहीं, दरवाजा बंद है। चलो पेंटिंग शुरू करें। ये पिंक कलर मुझे पसंद है, कितना सुंदर है। मैं पेंटिंग में माहिर हूँ, सबसे अच्छा। हाँ, सारा सामान मिल गया। क्या, ये क्या है? हाय, देखो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। ये अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? वो कैनवस तो खराब कर ही चुका है। हाँ, मेरे पास इसका हल है। जी हाँ, ये रहा कैनवस, एक परफेक्ट ए। अब पेंट के बारे, जो रंग उसने इस्तेमाल किया मैं भी वही करूंगी। यहाँ ब्लू, मुझे और ब्लू चाहिए और येलो भी, सारे रंग। इस स्पॉन्ज से थोड़ी सफाई हो जाए। मजाक कर रही हूँ, ये आर्ट का ही हिस्सा है। मैं इस स्पॉन्ज से सारे पेंट कलर्स को डैब करूंगी। अगर टेप पे भी लग जाए तो कोई बात नहीं। ये डैबिंग करना तो बहुत मजेदार निकला, पर इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर आप करना भी चाहें तो भी नहीं। ये देखो, मैंने पूरे कैनवस पर पेंट कर ही दिया। तो चलो अब टेप उतारेंगे और ये निकल गए। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, शानदार, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। एक मेरे लिए भी बना दो। ओ मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कितना हैंडसम है। वैसे तुम ये क्यों नहीं बनाती अभी?
वाओ, ये शुरू हो गया। मैं डॉगी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। सिर्फ सिर, बॉडी और चार टांगे बनानी है। लेकिन ये थोड़ा डर लग रहा है ना? जरा मुझे दोबारा ट्राई करने दो। मेरे ख्याल से बड़ा बना बेहतर होगा। अभी भी बुरा है। हाँ, नहीं, अभी भी बेकार है। हे हाँ। शांत हो जाओ। हे, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि एक बार मैंने आउटलाइन बना ली तो डिटेल्स बनानी आसान होगी। विश्वास करो, ये बहुत अच्छा बनेगा। देखा, अब सिर्फ कलर करना बचा है। और ये अच्छा बच्चा चॉकलेट ब्राउन वाइब्स दे रहा है। पिंक टंग मत भूलना, डॉगी का ट्रेडमार्क। टाडा! देखा तुमने, काफी अच्छे से बनाया है। और तुम्हारा हैनी? क्या? कुछ नहीं बनाया। इसका मतलब आप जीत गई मिस एमा। ये स्वादिष्ट लग रहा है। शुक्रिया। चॉकलेट डॉगीज, मैं इससे शुरू करूंगी। अच्छा दिख रहा है। कितना क्रीमी है। ये सही नहीं है। शांत हो जाओ बच्ची, एक ले लो। ओह, सच में शुक्रिया। वाह, ये वहाँ क्या कर रही है? ओह अच्छा, स्टूडेंट्स आ गए। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिकॉर्न बनाओ, समझे? काम शुरू करो। एओ, ये टूथब्रश उनके मुंह में था। ओह नहीं 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 नहीं, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? यक, हटाओ इसे यहाँ से, मुझे भी ये नहीं चाहिए। ओह रुको, इससे तो मुझे एक आइडिया आया। चलो यूनिकॉर्न ड्रॉइंग पर काम करें। पहले हमें थोड़ा पेंट चाहिए होगा। यूनिकॉर्न बनाने के लिए रेनबो बढ़िया है। अब एक मेन पैटर्न बनाने के लिए टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुझे अपने पिक्चर बनाने के लिए टूथब्रश की जरूरत नहीं है। हम एक मार्क कर लेंगे। हाँ, ये रहे कान, हॉर्न और आंखें भी बनानी है। ओह, तुम क्या कर रही हो? यीश। चलो ठीक ही है। नहीं, मुझे यूनिकॉर्न बनाने नहीं आते। याइक्स, मैं अपने पिक्चर पर ध्यान देती हूँ। ओह समझ गई, मैजिक वॉन्ड का समय। और यूनिकॉर्न आ चुका है। ओह कितना बढ़िया लग रहा है ये। ओह तुम्हारा वाला बहुत सुंदर है। खैर, हे, तुम्हारा ठीक करने के लिए अभी हमारे पास समय है। एक आइडिया है, मैं इसके साथ ही तुम्हारा पेपर लगा देती हूँ। देखा, अब ये इसका डुप्लीकेट है। हे मिस, हमारे पिक्चर्स बन गए। वाह गर्ल्स, कमाल के लग रहे हैं। मुझे तुम दोनों की ड्राइंग पसंद आई। हाँ, हमने कर दिखाया, हम दोनों को प्राइजेस मिले। चीयर्स। कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करूँ, ब्लू या ग्रीन? इसे देखो तो सही। आई लव यू। अब मैं तुम्हें सपनों में मिलूंगा। वाओ, इट्स स्नेल, कूल। व्हील कौन घुमाएगा? मैं जीत गया। मुझे लगा था मैं ही जीतूंगी। चलो भी, हाथों के बिना दोबारा। खैर, मैं कर सकती हूँ, तो चलो। शायद मैं मदद कर सकता हूँ। लो। हे, तुम गलत कर रही हो। पर कैसे? अरे वाह, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? ठीक है, मेरे पास ये ब्लाइंड फोल्ड है। मैं कैसे लग रही हूँ? परफेक्ट। ये जितना लगता है उससे कहीं मुश्किल है। तुम बहुत अच्छी हो, मतलब तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैं उसे किस कर लूं? रुको, ये नहीं भूल सकते। ये कैसा मजाक है, मैंने इस पर $20 खर्च किए थे। बकवास। हालांकि मुझे जल्दी करना होगा। हटो यहाँ से। एक पेन के होते हुए हमें महंगे फूल क्यों खरीदने? हम खुद ही बना लेंगे। ऐसे ये ज्यादा रोमांटिक लगता है। एक स्टेम बनाएंगे और ये हो गया। काश उसे पसंद आए। पता नहीं मैंने क्या बनाया है। वैसे ये है बहुत अच्छा, मतलब ये स्नेह है। मैंने भी कुछ बनाया मेरे लिए। तुम किसी भी रोज से बहुत सुंदर हो। अब मुझे शर्म आ रही है, पर ये बहुत रोमांटिक है।
ओ, मेरा इंतजार कर रहे हो? चलो इसे घुमाएं। बहुत मजेदार है। ठीक है, एक रेनबो। मुझे बहुत सारा पेंट चाहिए। ये बहुत आसान होगा, बस एक कर्व ही तो बनाना है। हाँ, पर ये मुश्किल लग रहा है। ये ठीक नहीं रहा। वैसे मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। लगता है मैं समझ गई। एक पेपर की स्ट्रिप लेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे। अब एक प्यारा सा चेहरा बनाएंगे। इसकी आंखें, अच्छा लग रहा है ना? कितना क्रिएटिव है। हे, ध्यान से। ओप्स, इससे तुम्हारी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, अब कलर करेंगे। अब इसकी आंखें कलर नहीं करेंगे। कितना ब्राइट पिंक है। ये कलर नेल पर अच्छा लगेगा। अब कॉलर येलो करेंगे और आइस क्रीम। ये कैट कितनी खुश लग रही है और इसकी स्माइल में रेनबो है। मॉली को दिखाती हूँ। कितना फनी है। पहले तो मैं सड़क का गिराया हुआ पेंट साफ करूँ। इससे तो ये और खराब हो रहा है। रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। कितना अच्छा आइडिया है। इस कैनवस को पहले ब्लू पेंट किया। अब एक क्लाउड बनाने के लिए स्पॉन्ज इस्तेमाल करेंगे। अब ऑरेंज पेंट ऊपर से गिराएंगे। ऐसे ही बाकी कलर्स के साथ भी करेंगे। लो, हो गया। हे, ध्यान से। टीचर, जरा ये देखो। ओह, हाँ दिखाओ मॉली। कितना अलग और कलरफुल है। बहुत ही खूबसूरत। वाह, ये मजेदार है सैरा। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हमने बहुत अच्छा किया सैरा। आहा, जो भी है। टाटा। है, ये काफी अलग है। और मुझे सैलरी क्यों मिली? कितने सुंदर है। ओह अच्छा। समझ गया। यही रहो। स्कार्फ प्रोटेक्ट करना होगा। चलो शुरू करते हैं। हाँ, एक सेकंड रुको। ये लो, मुझे बस यही चाहिए। प्लेट पर थोड़ा पेंट डालें। अब अपना कैनवस तैयार करें। सैलरी को इसमें डुबोएं और अपने पेपर पर स्टैम्प करें। देखा, फूलों की तरह लग रहा है। बहुत सुंदर। मैंने पूरा बुके बना दिया। ये इतना सुंदर है, मैं रो दूंगा। वो क्या चल रहा है? मैं कुछ बना रहा था। देखो, मुझे अभी भी भूख लगी है। शुक्रिया। तुम्हें चाहिए? अब इन्हें क्या हो गया है? पता नहीं, ये टॉवल से क्या कर रहे हैं? हाय, हाँ, हम आपको याद है। खैर तो ठीक है। लो, फ्लेमिंगो देखो। ओह, एक फ्लेमिंगो। ठीक है, ये मजेदार होगा। मैं अपना फेवरेट मेथड इस्तेमाल करूंगी, हाथ ट्रेस करने का। सही है। अब पेपर को रोटेट करेंगे, इसका एक सर बनाएंगे और इसकी बड़ी सी चोंच भी। हाँ, आंख बन गई। अब विंग्स की बारी और इसकी लंबी लातें। अब इसे कलर करेंगे। फ्लेमिंगो तो पिंक ही होना चाहिए। जब ये पूरा हो जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा, मैं जानती हूँ। कलर करते जाओ, कलर करते जाओ। बस थोड़ा सा और। हो गया, मुझे दिखाओ। स्केल सीधा रखना होगा। मैं बना ही लूंगी। मैं इसमें माहिर हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है शायद। हाँ, हो गया। ये फ्लेमिंगो ही लग रहा है। मुझे बस नहाने की ही जरूरत थी, तो तुमने बना लिया। ये क्या है? कितना अजीब सा चिकन है। ओ, हाँ माफ करना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा वाला काफी अच्छा लग रहा है। तुम ये फ्लेमिंगो चैलेंज जीतती हो। बधाई हो। हाँ, मैं खुद ही जीती हूँ। सुनो, उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। ये लो। शुक्रिया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है।